सो गुड मॉर्निंग गाइज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास बताइए अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक दो हजार बाईस में भारत की रैंक क्या रही आई पी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आंसर होगा इसका फोर्टी थ्री पे यूएस था और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम छब्बीस अप्रैल को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस अच्छा बोल्ट्समैन पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन बने दीपक धर और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंक ज्योतिषी न्यूमिरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसने जेसी चौधरी ने खजुराव के मंदिर कहाँ पर है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है कौन सी शैली में बने पंचायतन शैली में और अगर पूछे सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा कहां पे केरल में मकर विलक्कु त्यौहार यहीं पे लगता है लोड अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर और बताओ कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है उड़ीसा में जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है आप जानते होंगे एक तो दस रुपए के नोट पे इसी का चित्र अंकित है और सौ सो प्रतिशत सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर भी यही है चलो आप तो ये बताओ रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर भी इसको कहते हैं ये कहाँ पर है तेलंगाना में न्यूज में क्यों था क्योंकि तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ये शामिल हो गया और कौन से नंबर का बना ये थर्टी नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है भारत की और कामाख्या देवी मंदिर असम में है जहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है याद रखना और हाँ गाइज आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना अभी आने वाले आठ मई को आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा और ये जो टेस्ट होगा ये बिल्कुल फ्री होगा जिसमें आप पता कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है एक्चुअल में कितना आपको आता है ये तो एनालिसिस ही कर पाओगे आप टेस्ट लगा करके ही लाइव रैंकिंग भी आपको मिलेगी उस रैंकिंग में आप देख पाओगे कि आपके जो साथी हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो भी वो टेस्ट देंगे वहां पे आप कहां कर पा रहे हो और इतना ही नहीं साथ में एक करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप भी आप जीत पाओगे तो अन के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपके लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की तरह क्वेश्चन पेपर सेट होगा और खास बात यह है कि टेस्ट देने के बाद हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल सकेगा ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो तो टेस्ट का टाइम आपको याद रखना है सुबह दस बजे आठ मई को तो जब तक आप अपने आप को एनरोल कर लो ताकि उस दिन आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि हाँ टेस्ट देना है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेस्ट को फ्री में देने के लिए कोड आपसे मांगेगा तो कोड याद रखना क्रैक एग्जाम टेन ये टाइप कर देना आपका फ्री में एनरोल हो जाएगा और देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो वास्तव में तो टाइम टू टाइम टेस्ट देना आपको जरूर चाहिए और ये जो फ्री के टेस्ट में आपको बता रहा हूं उसका फायदा कम से कम आप जरूर उठाएं पेड वाले नहीं ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन फ्री वाले तो जरूर लो जब भी भविष्य में इस तरह के फ्री टेस्ट होंगे तो मैं आपको बता दिया करूंगा तो उसका बेनिफिट आप जरूर उठाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोड याद रखना क्रेक एग्जाम टेन अभी हम बढ़ते आगे कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और आपको याद होगा मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था किस आई ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्योरिफायर को लॉन्च किया तो आंसर होगा आई दिल्ली इसका नाम है नासो नाइनटी चलो मुझे बताओ भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे लगाया गया चंडीगढ़ में और भारत के बाहर पहला आईआईटी आई ये कहाँ पे बना दुबई में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता दबंग दिल्ली ने किसको हरा के पटना पायरेट्स को यह आठवां संस्करण था इसका भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला तो आंसर होगा हैदराबाद में और भारत का पहला मेरी म्यूजियम समुद्र संग्रहालय कहाँ पर खुलेगा गुजरात में गुजरात के लोथल में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा केरल के अल्लापुजा में और भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहां पे खुला तो तमिलनाडु के तंजावुर में चलिए बताओ इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है अट्ठारह मई को और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है तमिलनाडु में तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम मीनाक्षी मंदिर भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में तमिलनाडु में मदुरे में वेगई नदी के किनारे स्थित है ये और किस शैली में बनाए तो द्रविड़ शैली बाकी तमिलनाडु का एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और यादर को जिसे टी एक्स अवार्ड मिला था भारत की पहली बुलेट ट्रेन ये चलेगी जापान की सहायता से कहाँ से कहाँ मुंबई से अहमदाबाद और इसका पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बन रहा है सूरत में लता मंगेशकर संगीत अकादमी ये कहाँ पे बनेगा इंदौर में और याद रखना एशिया का सबसे बड़ा बायो सी प्लांट ये भी कहाँ पे तैयार हो रहा है इंदौर में ही भारत की पहली वाटर प्लस सिटी ये इंदौर ही है और बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अच्छा बताइए विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा बीस मार्च को इसकी थीम थी अपने मुंह पर गर्व करें बी प्राउड ऑन योर माउथ और वर्ल्ड हेल्थ डे होता है सात अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब होता है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस होता है इक्कीस मार्च को इसकी क्या थीम थी वन और सतत उत्पादन और खपत फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब होता है इक्कीस मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थीम क्या थी वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब होता है इक्कीस मार्च को होता है थीम थी समावेश का मतलब इंक्लूजन मीन्स विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे ये होता है 20 मार्च को इसकी क्या थीम थी लव स्पैरो एक आपको याद होगा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी होता है वो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है और विश्व कठपुतली दिवस प्युपेट्री डे इक्कीस मार्च को होता है इसकी थीम थी द सी अच्छा विश्व कविता दिवस कब होता है फिर वो भी इक्कीस मार्च को होता है और विश्व जल दिवस ये होता है बाईस मार्च को बिहार दिवस भी तो बाईस मार्च को होता है और विश्व जल दिवस की इस बार थीम क्या थी वर्ल्ड वाटर डे की भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल और 22 तारीख से हमने तीन डे याद करे लगातार महीने वाले 22 मार्च 22 अप्रैल और 22 मई 22 मार्च को आपने कहा वाटर डे 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे तेवीस मार्च को इसकी थीम है अर्ली वियरिंग एंड अर्ली एक्शन चलो मुझे बताओ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तो आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे तो बताइए भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए गए तो आंसर होगा सो अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं किसान स्टोर किसने शुरू किया था तो अमेजोन ने बताइए नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना तो आंसर होगा असम उद्देश्य क्या है ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में भी बेहतर बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया विश्व के नंबर वन शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन और वैसे विश्व के नंबर वन चेस प्लेयर कौन है मैग्नेस कार्लसन है नॉर्वे से ये अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का तो आंसर होगा के एन राघवन और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता कौन बन गए कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के हैं उम्र है अट्ठारह साल टेनिस से आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 का पहला ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जिसमें पुरुषों का खिताब जीता था यानी कि मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने ये भी स्पेन के हैं और महिलाओं में जीता था वुमेन सिंगल एश्लेबार्टी ने ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और अभी आपको याद होगा सन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक कौन है डर या इसे आप कह दीजिए भारत की बेंगनी क्रांत तनिष्का कोटिया को गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया इनका संबंध है? चेस शतरंज। अच्छा थम्सअप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो आंसर होगा शाहरुख खान को एशिया प्रांत में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा कौन आई

साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको बताया चौबीस भाषाओं में दिया जाता है बाईस तो आपके संविधान की आठवीं अनुसूची वाली हो गई एक अंग्रेजी हो गई और एक राजस्थानी हिंदी का दिया गया दर, दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाम का उनका नाटक है उसके लिए और इंग्लिश का नमिता गोखले को थिंग टू लिव बिहाइंड के लिए प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया संजीव सान्याल को वैसे मुख्य आर्थिक सलाहकार बने अभी वी अनंत नागेश्वरन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये हैं अजीत डोवाल हाईबरी नाम से पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की किसने जापान ने शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति को कब तक जारी रखेगा ये पाँच सालों तक ये स्कॉलरशिप योजना है और उन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है जिन्होंने आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है बताइए एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 नाम का अभ्यास इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा मत लेना। खजुराहो के जो ये मंदिर है पंचायतन शैली में बने हुए हैं चंदेल शासकों ने इनको बनाया। आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए राकेश शर्मा बन गए हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है बैंकिंग फॉर ऑल इसका टैगलाइन होता है किस शहर ने अपने भविष्य का संग्रहालय खोला है जिसे वे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कह रहा है तो आंसर होगा दुबई और आपको पता है विश्व की पहली पेपरलेस सरकार दुबई ही है भारत के बाहर अगर पूछे किस देश में पहला आईआईटी स्थापित होगा तो दुबई में ही किस राज्य या यूनियन टेरिटरी सरकार ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर और किस देश ने सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया अभी आंसर होगा इसराइल ने अच्छा आपको याद होगा इसराइल ने अभी एक लेजर प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया था उस लेज़र बीम से ही वो दुश्मनों की मिसाइलों को फोड़ देगा उसका नाम क्या रखा था ये बताओ आप तो